सो गाइस मैं सुबह से सोच रही हूँ कि व्लॉग करूँ थोड़ा शाई फील कर रही थी, बट ठीक है आज अभी कर लेते हैं हम स्टार्ट व्लॉग। बाकी आपको एडिटर में ही मिल जाऊँगी मैं स्टार्टिंग में। सो अभी हम आए हैं PVR प्रशांत बिहार वाले मेरे फ्रेंड के साथ आई हूँ मैं, खोपड़ा नहीं दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ अभी आई थिंक 11:30 पर मूवी स्टार्ट हो जाएगी, मूवी देखेंगे उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं आफ्टर मूवी या फिर देखना मिलेंगे। गाइस अभी इंटरवल हो गया और अभी हम आए हुए कुछ ना कुछ लेने के लिए, आई थिंक बर्गर वगैरह लेने वाले हैं। और यहाँ पे दो बच्चे बहुत क्यूट से हैं जो गेम खेले जा रहे हैं, उन लोगों को दिखा दूँगी मैं अभी, उसका क्लिप मैंने ले लिया है। आई थिंक हम बर्गर लेने वाले हैं और उसके बाद आई थिंक हम सीपी जाएंगे और सीपी पे जाके कुछ ना कुछ खाने वाले हैं। और गाइस सीपी बिल्डिंग है तो मुझे मिल गई है मेरे बचपन के लिए, और हम देखने मैंने ये तो बताया नहीं हम मूवी देखने कौन से आए हैं। हम मूवी देखे हैं गग्गू भाई, और गग्गू भाई बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। सो यार अभी इंटरवल के बाद मतलब मूवी फिनिश होने के बाद मिलते हैं। गाइस देखो ये क्या कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, देखो देखो इसको। सो गाइस अभी हमने बर्गर ले लिया और अब हम जा रहे हैं, और क्या आप मंगाया था बोलो बोलो फ्रेंच फ्राइज तो वो हमारी सीट पे आ जाएगा। और यस हमारा ऑडिटिव है तो हम जा रहे हैं, ये लो पकड़ो मैंने पकड़ लिया। सो गाइस मूवी खत्म हो गई है और अभी हम उतर गए ढाई, और अभी आई थिंक हम जाएंगे सीपी, और आई थिंक थोड़ा सा म्यूजियम ऑफ इल्यूजंस, म्यूजियम ऑफ इल्यूजंस और वो बहुत ज़्यादा फेमस है मतलब सीपी में, और कुछ मतलब बनाया वो तो वहाँ जाके हम देखने वाले हैं, अभी कंफर्म नहीं है बट देखेंगे पक्का। तो नहीं आउटफिट अच्छे से दिखा देती हूँ गाइज। अभी हम आए थे यहाँ पे ऑक्सफर्ड बुक स्टोर, तो प्रीति चलो दिखा दे थोड़ा सा। कभी पढ़ी आज तक? ऐसी जगह है बहुत फील लाइक हेवन, मेरे फ्रेंड ने यहाँ लेके आया मुझे, बहुत अच्छा लगा। सो प्रिटी एंड हियर इज द चिल्ड्रन सेक्शन बुक मैजिक बुक्स। रियली रियली लाइक दैट, पूरा बच्चों का कलेक्शन है क्यूट क्यूट। दिस इज पू फ्रॉम कोरिया, पू फ्रॉम कोरिया, योर हेयर इन दिल्ली। हैरी पॉटर मुझे पूरा सीरीज लेना है पूरा, आई लव हैरी पॉटर। तुम्हें अच्छी लगती है ना हैरी पॉटर? ऐसे
मुझे पढ़नी है यार सारी बुक्स, बुक्स में पता नहीं कैसा होगा। बुक्स पढ़ने नहीं जाते थे फिर देख नहीं, बस उसमें फोटो लगी रहती ना, कलर कलर के देख लेते थे, देख लो ये बच्चे वाली, एक घंटे के अंदर चार पांच किताबें पढ़ के खुश हो जाते थे कि बहुत बढ़िया लाइब्रेरी आ गई, लाइब्रेरी आ गई। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए, आई एम सो हैप्पी। पता है मेरे को मिल गई है इसकी इमेज वाली बुक, इसमें सिर्फ इमेजेस है, उसे दिखाओ ना कैसे दिखा रहे हो। अरे वाह वाह, अरे इसमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी स्केच करना है। यस स्ट्रीट आर्ट, अरे मैं छोटे में होती थी ना, क्या बोलते थे उसे, वाओ कलरफुल पेजेस की वो जो कॉपी आती थी, क्या बोलते हैं। सीपी में है और हम सीपी आए थे, लोग बहुत अच्छा लगता है सीपी, और ये है ऑक्सफर्ड बुक स्टोर, ये स्टोर था और ये कैफे है, और ये दोनों एक साथ ही है, कैफे अंदर है ये चा बार, और ये है ऑक्सफर्ड बुक स्टोर। बुक स्टोर बहुत सुंदर है, कुछ हमें खाने नहीं मिला तो देखते हैं अगर हम वापस आते हैं तो। सो गाइज हमारा कुछ नज़ारा इस टाइम पे ऐसा है, हम वहाँ से आ गए एंड दिस इज सनसेट, सो प्रिटी लग रहा है, देख लिया हमने तो सही नहीं देख रहा। वो महंगा फोन खरीद रहे हैं। तो रोड से इधर आ जा महंगा फोन। देख रहे हो कितना कितना प्यार है मेरे फोन से, मेरे से नहीं है कि फोन का डर कर ले बस। ये कुछ टेरेस टाइप का है यार, बहुत प्यारा सा यहाँ पे, और अंदर जाके कैफे है, कैफे कोई बिल्डिंग टाइप है, उसके अंदर आके फिर मैं आपको एंट्रेंस बाद में दिखा दूंगी। हम बहुत भूखे हैं, एक्साइटेड में, एक्साइटमेंट में आ गए फटाक से। आना है तो दिस इज द मेन्यू, और अभी ये डिसाइड करेगा क्या खाना है, और हियर इज द विंडो, यहाँ वही वाला जो व्यू आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले मुझे दिखाया था। वेरी ओल्ड ओल्ड कैफे, सी कर्टन्स एंड एवरीथिंग, ये बहुत ज्यादा ओल्ड प्लेस है, और मेरे खोपड़े को देखो आप लोगों को लग रहा होगा कितना ऑयली हो गया है, ठंडी है बट बहुत गर्मी भी है, चलने में बहुत गर्मी है, हमने आई थिंक 700 मीटर चल के आया वहाँ से, 700 मीटर के क्या हम ऑर्डर लेते हैं जो वेज बर्गर और कर लेते हैं, ठीक है वेजिटेरियन के साथ खाना खाना पड़ रहा है। ठीक तो अभी हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है, कोल्ड कॉफ़ी, एक स्ट्रॉबेरी शेक, और कुछ नहीं किया ना अभी, और अभी सैंडविच करेंगे, दो सैंडविचेस या बर्गर मंगा लेंगे, एक बर्गर की सैंडविच कर लेते हैं। हाँ तो फिर ट्राई कर लेंगे टेस्ट के लिए। दिस इज माई फेस राइट नाउ, मेरी लिपस्टिक सारी हट गई है, देख रहे हो गाइस बेइज्जती कर रही है। एनीवेज अभी अभी ये आ जाएगा तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है खाना। सो गाइस ये है कोल्ड कॉफी, अरे यार फोकस क्यों नहीं कर रहा है, फोकस कर, कोल्ड कॉफी और ये स्ट्रॉबेरी शेक, ठीक है दोनों चीज ट्राई करेंगे। गिर गया यार थोड़ा सा, तुम ज्यादा भी बोलते हो रे।
ये तो ठीक है यार, ये मुझे अच्छा लग रहा, हार्ड है ना बहुत, हॉट कॉफी ज्यादा सही है, हॉट कॉफी ज्यादा सही है, ट्राई करेंगे फिर, हॉट कॉफी हाँ बाद में, थोड़ा सा बैठ के देख रहे हो गाइस, ऐसे ही होता तो उसके साथ बनाना, ये बॉटल रखी है हमारे पूरी जगह डोल रही है हमारे साथ और ऊपर से संघर्ष जो चल रहा है इसके ऊपर बॉल लग से कि तू पकड़ेगा मैं पकड़ूंगी तो फील होता है गाइस, तुम्हें भी ऐसा लगता है तो बताओ, लाइक करो लाइक करो। After eating all this stuff and guys, अगर आपको खाना है कुछ तो मत आना, यहाँ पे बहुत ओके ओके लगा मुझे, क्योंकि कॉफ़ी अच्छी है, हॉट कॉफ़ी ना, सिर्फ हॉट कॉफ़ी पीनी हो तो आ सकते हो, मतलब थोड़ा सा चिल करने, कोल्ड कॉफ़ी इसको पसंद नहीं है क्योंकि बहुत हार्ड है, मुझे अच्छी लगी, मतलब मेरे प्रेफरेंस में मुझे बहुत, जैसे को हार्ड कॉफ़ी नींद ना आए वैसे टाइप पी सकते हो, बाकी सही है, मतलब ओके ओके थे वो भी कोल्ड कॉफ़ी भी। सो यार दिस इज आफ्टर, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम कहीं जा नहीं रहे, हम घर जाएंगे और अभी पहले बिल तो भर दें यार, बिल भरेंगे उसके बाद हम लोग चलते हैं घर, मैं मिलती हूँ आपको आई थिंक घर पे ही, फिर देखते हैं कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग। गाइस दिस इज द नाइट व्यू ओवर हियर, सो नाइस एंड ब्यूटीफुल, आई थिंक वहाँ पे ना इस रोड पे थोड़ा सा आगे चल के ना वो है, अरे यार ये जैन चावल वाले ये दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इसको ट्राई करेंगे, ठीक है इन दिन इसको भी ट्राई करेंगे गाइस। और आई थिंक यहाँ पे ना आगे चल के ना एक ऑर्फनेज है, सीपी में एक ऑर्फनेज है, मैं गई थी मेरे बर्थडे के टाइम पे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिले थे मुझे वहाँ पे, सो या और यहाँ पे एक टीवी आ रहा है, जस्ट लाइक दिस, आई विल शो यू गाइस, दिस इज द व्यू ओवर हियर, या दिस इज लाइक यहाँ पे टीवी आ रहा है, हम गए थे इसमें मूवी देख रही, कौन सी रही थी मूवी, कंफ्यूज थी वो, बधाई दो आई थिंक, हाँ वही मूवी थी तो देखी थी हमने, और दिस इज द व्यू ओवर हियर, I like this place a lot, but खाना is zero. I don't like it at all. I think South Indian food ज़्यादा अच्छा होगा मोर। हम ना इसके नीचे से गए थे और वापस आए हैं सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए, इसकी आवाज़ सुनना, चल जाओ। पैटोडो, चलो अब मैं जाती हूँ, देखोगे बस। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस, अगर कॉफ़ी पीने जा सकते हो, बाकी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ऊपर रहा था हम वहाँ पे थे, ऊपर बिल्कुल वहीं पे थे, तो याद है किसी का, क्या कर रही है, घूम रही है, क्यों घूम रही है, पागल है, बाइक चलानी, बाइक चलानी, प्लीज चला दो कोई, कोई तो घुमा दो बाइक पे, मतलब बाइसाइकिल पे, 80 प्लस बच्चे अलाउड है, चलो घर, मम्मी याद कर रही है, लेम लेम, नहीं नहीं मजा नहीं आया, चलो बार बोला कहीं का, गाइस यहां पे बैग्स मिलते हैं सीपी में, कहां पे भैया, बी ब्लॉक, बी ब्लॉक में आपका कुछ नंबर वंबर है, नंबर 8950375010, यहां पे बैग्स मिलते हैं बहुत ही ट्रेंडी बैग्स, लाइक ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, न्यूड वाला, और भी इन्होंने बहुत सारे बैग दिखाए, अगर कोई ब्रांडेड वाला चाहिए तो ले सकते हो, सो बहुत अच्छे है, ये वाला भी बहुत क्यूट है, शो यू, ये बहुत ट्रेंड में है अभी, ये वाला कितने का बताया था भैया, ये 350 हैंगिंग भी होगा इसके साथ, वो भी होगा स्लिंग भी होगा, और मुझे वो लेवेंडर वाला बहुत अच्छा लगा है, वो थोड़ा ब्रांड का है, तो एक और अच्छा लग रहा है, शिनाल टाइप का है वो, एलवी टाइप का, बहुत अच्छा है। सो गाइज मैं आ गई हूँ, और आप मेरे फेस पे देखो, मुझे मेरे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, और मैंने चेंज कर लिया है, ये स्वेटर में थोड़ा ठंड भी लग रही है,
और मैं खा रही हूँ छोले चावल का स्किन सी यहाँ पे। और यहाँ देखो मैस है, ये मेरा स्टैंड है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से टूट फूट गया और मैं घर आते ही मेरा इतना मैस क्यों गया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो येस, टूडेज वीडियो इज़ एंड। और या आई एंजॉयड अ लॉट टूडे, बट फिर भी बहुत टायरिंग डे था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बहुत वॉक किया क्योंकि एक कैफ़े दूसरे कैफ़े तीसरे कैफ़े ये वो, क्योंकि मेट्रो एक्चुअली में ख़राब हो गई थी, मैं आप लोगों को बताई नहीं कि मेट्रो बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो गया था, मतलब येलो लाइन जो थी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उसमें, एक मेट्रो ख़राब हो गई थी उस वजह से पूरी लाइन की मतलब जो वाट लग गई थी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था आज थोड़ा दिन, बट ठीक है। हमने गंगूबाई मूवी देखी जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही लाइक 5 स्टार रेटिंग कह सकते हो आप, मतलब 5 स्टार तो नहीं एंड 4 रेटिंग दे सकते हो, 4.5, क्योंकि थोड़ा सा मतलब इतना फैंसी होता नहीं है जैसे उनकी लाइफ होती है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, स्टोरी में थोड़ा ज़्यादा मतलब सुंदरता में दिखा दिया, प्रेजेंट मूवी है तो थोड़ा बहुत वैसे है, वो तो फिक्सिंग होगी ना, बाकी बहुत अच्छी मूवी थी। उसके बाद हम लोग कुछ कैफ़े गए, एक बुक कैफ़े गए जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत ही ओल्ड सा कैफ़े था वहाँ गए थे, बट गाइस वहाँ का फूड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, आप लोगों को पहले रिव्यू दे देती हूँ। वहाँ का सिर्फ कॉफ़ी पी सकते हो, वो भी हॉट कॉफ़ी, वो मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि हॉट कॉफ़ी पी थी तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने कहा चलो ट्राई करता, मुझे कुछ पता वता नहीं था। सो यार वहाँ का व्यू अच्छा है। और उसके बाद फिर क्या, हम घर आ गए और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा बैग लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब वो उनका नंबर वंबर आप लोगों को मिल जाएगा, शॉप वगैरह का पिक्चर विक्चर वीडियो वगैरह तो आपको ब्लॉग में दिख गया होगा। तो मैंने बैग कौन सा लिया वहाँ से वो आप लोगों को अब दिखाती हूँ मैं। तो एक पॉलिथिन के अंदर एक और पॉलिथिन, तो ये कुछ कोड का है, मैंने पहली बार सुना है ब्रांड, ठीक है, डोंट कोड ऑन मी, मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड का, बट ठीक है मेरे को कुछ इन्होंने ब्रांड ब्रांड बताया था तो मैंने ले लिया। इसका MRP है कुछ 1999 यानी 2000 रुपीज़, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई ब्रांड है या फिर ऐसा कुछ है, तो जो भी अगर आप ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ब्रांड है तो कमेंट डाउन बिलो। तो मुझे बहुत सुंदर लगा, लाइक इसके अंदर ये रैप भी है और मैंने लिखा है कोड, और इसका मतलब टैग वैग सब इंटैक्ट सी दिख रहा है, तो फोकस करेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सा टैग वैग लगा है, तो दिस इज़ द लाइलैक बैग, सो सिंपल सो एलिगेंट, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे कोड का छोटा सा ब्रांडिंग हो रखा है, फेस पे फोकस कर रहा है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ही ऐसे करके ओपन होगा, तो ये एक्चुअली मैं गाइस हैंड बैग की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसकी चेन बहुत अच्छी है और यहाँ पे आराम से खोल सकते हो, खोल के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पे एक चेन है और नीचे एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कोड ब्रांड का वो है, और यहाँ पे नंबर भी अंदर भी एक स्टिकर लगा हुआ है, और अंदर बहुत अच्छा सा मतलब इसका इनर लाइनिंग है, गाइस सी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी बैग, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा यार अच्छा है ना बैग वैसे मम्मी, तो ये एक मम्मी कह रही एक और बैग उठा ले, बट मुझे अच्छा लगा यार ये, और मुझे पास ऐसा कुछ नहीं था इस कलर में कि मैं यूज़ कर सकूँ बाहर ले जा सकूँ, स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेस है, फिर एक यहाँ पे पॉकेट है, और यहाँ पे एक स्लिंग दिया हुआ है कि आप लंबा भी कर सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और बीच में अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी स्पेस है, फिर एक और स्पेस है, और यहाँ पे पूरा चेन लगे हुए दोनों में, और यहाँ नीचे भी एक है जिसमें चेन लगा हुआ है, और उसमें आगे वाले में चेन नहीं है, बट बहुत अच्छा है स्पेशियस।